कि सरकार की एक सोच बनी, प्रधानमंत्री ने एक दिशा दी मंत्रालय को। उनके दो महत्वपूर्ण सबसे शुरू में कहना था उनका, पहली बात थी उनकी सोच सोयल हेल्थ, कि देश में जिस तरह से हर व्यक्ति का एक हेल्थ कार्ड होता है, इसी तरह से हर किसान का सोयल हेल्थ कार्ड हो। सोयल हेल्थ से क्या होगा, किसान को बताया जाएगा कि आपकी भूमि को इस यूरिया की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है, पोटाशियम की आवश्यकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन डालना है, कौन सा आपका बेहतर रहेगा, किस दवाई का आपको उपयोग करना है। उसके बाद एक बैलेंस रहेगा, सोयल का हेल्थ ठीक होगा। सबसे बड़ी समस्या यूरिया के ज़्यादा यूज की वजह से, जो 4:1 का NPK का रेशो रहना चाहिए, आज वो देश में कहीं कहीं तो 24:4 और 2 का रेशो है। तो इस रेशो को ठीक करने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे। दूसरी उनकी सोच थी कम पानी में ज़्यादा फसल कैसे ली जाए, उसके लिए उन्होंने नारा दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इन दोनों को लेकर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और सोयल हेल्थ कार्ड योजना, ये कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। और शायद ये दो योजनाएं ऐसी हैं जो आने वाले समय में देश में कृषि का भविष्य, किसान का भविष्य बेहतर बनाएंगे। देखिए, हमारे पास 3 तरह का एक्सटेंशन का एक ढांचा होता है। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, जिसको हम और सुदृढ़ कर रहे हैं, और हमारी 150 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की योजना है, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है। दूसरा एक आत्मा स्कीम चलाई हुई है, वो पहले से चली हुई है, उसको हम और मजबूत कर रहे हैं, उसमें नए युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, जिससे हर ब्लॉक स्तर पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर हों। और तीसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के वर्कर होते हैं जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, ये योजनाएँ उनके द्वारा जाती हैं। 4 गुना मुआवजा किसी भी लैंड का, और एक व्यक्ति को परिवार से नौकरी, और इसके साथ साथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लैंड सिर्फ सरकार अपने सड़क, रेलवे या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो सरकार द्वारा बनाए गए उनके लिए एक्वायर करेंगे। इसके अलावा सरकार ज़मीन एक्वायर करके प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बिजनेसमैन या बिल्डर्स को बिल्कुल भी नहीं देगी, तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ, हमें सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीनें चाहिए, और मुझे लगता है किसान उसे देने के लिए तैयार भी है। नई पीढ़ी का कृषि की तरफ रुझान कुछ कम हुआ है, इसके लिए एक तो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का ध्यान है विशेष रूप से। दूसरी, हम APFC एक्ट है, उसमें संशोधन की बात करते हैं। 12 स्टेट्स ने हमारा सुझाव मान भी लिया है, बाकी स्टेट्स ने अभी नहीं माना। उसके बाद कृषि की एग्रीकल्चर मार्केटिंग डायरेक्ट कर सकेगा कोई भी किसान। अभी तक जो बिचौलियाँ मौजूद हैं उनकी वजह से समस्याएँ काफ़ी हैं। अगर एक जो युवा वर्ग आएगा जो खेती करेगा, अगर वो मार्केटिंग डायरेक्ट करेगा, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, डायरेक्ट उसको बेच रहा है, तो इससे बहुत बड़ा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में हम ये टारगेट पूरे करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डायरेक्ट होते ही युवा इससे जुड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अभी एक परंपरागत कृषि योजना 300 करोड़ रुपये से केंद्र सरकार ने इस वर्ष शुरू की है, और हम प्रदेशों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। तो हर प्रदेश में हमें, हमारी योजना है कि हर प्रदेश में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्लस्टर हो, और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड पे उसके लिए भी एक एजेंसी का हम बना रहे हैं जो सर्टिफिकेशन कर पाएगी इसका। अभी जो बहुत किसान को नुकसान हुआ ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से, ज़्यादा बारिश से, उसके बाद लोगों को उम्मीद होती है कि केंद्र सरकार कुछ करे, लेकिन हम प्रदेश सरकार की मदद कर सकते हैं। हमारे पास वो ढांचा नहीं है कि डायरेक्ट किसान की मदद कर पाए। कुछ प्रदेश सरकार जो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, वो ज़्यादा मदद लेती हैं, किसानों की मदद करती हैं। मैं 2 हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ, और यहाँ भी सुबह और शाम 1500 करोड़ मेरे घर में सबसे ही मिलता हूँ, और मंत्रालय में मैं 24 घंटे मिलने वाला हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट है, उस पर हमें सुझाव दे सकता है। मेरा मेल एड्रेस है, अगर कोई भी गूगल में जाएगा उस पर सुझाव दे सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर सुझाव दे सकता है। 24 घंटे हम सुझाव के लिए अवेलेबल हैं।